This is our lecture number 2 on geometrical optics. In last video, we have learned some basics about the light and the plane mirror. This is continuous of part of that video. And in this part, we will discuss especially about plane mirror. तो प्लेन मिरर के बारे में कुछ बेसिक बातें हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, ये उसी का कंटिन्यूअस आप प्लेन मिरर पार्ट 2 वीडियो मान सकते हैं कि इसमें मैं प्लेन मिरर के सारे टॉपिक खत्म कर लूंगा, उसके बाद अपना स्पेक्ट्रल मिरर स्टार्ट होगा। तो प्लेन मिरर में लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्रॉपर्टीज, प्लेन मिरर इमेज वगैरह कैसे बनाती है, इन सारी प्रॉपर्टी को हमने देखा था। इमेज कैसे बनाता है या कोई ऑब्जेक्ट हमें दिखता है तो उसका इमेज कैसा दिखेगा, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। इस वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। ठीक, प्लेन मिरर में फील्ड ऑफ व्यू के बारे में समझते हैं। इसे सपोज करें दिस इज अ प्लेन मिरर, अगर ये प्लेन मिरर है, इफ ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, यहाँ से मिरर से x डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो x डिस्टेंस पे इमेज बनेगा। इतना हमने लास्ट क्लास में हमने देखा था कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज x डिस्टेंस पे ही बनेगा। अगर मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के बिल्कुल सामने ना होके यहाँ पे कहीं है, अब ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने नहीं है, तो यहाँ पे मेरा जो क्वेश्चन है वो ये कि सबसे पहले तो आपको ये बताना है क्या इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस प्लेन मिरर में बनेगा। आप सोचिए इसे कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज ये प्लेन मिरर बनाएगा, तो बहुत लोग आंसर बोलते हैं नहीं, है ना, जो कॉमन आंसर होता है, बाकी हाँ भी होता है, यस आंसर, करेक्ट आंसर इज यस, प्लेन मिरर इमेज बनाएगा, है ना। जो जनरल स्टूडेंट सोचते कि प्लेन मिरर यहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो ऑब्जेक्ट के सामने तो प्लेन मिरर है नहीं, तो इसका इमेज नहीं बनाएगा, जो कि गलत है। प्लेन मिरर इमेज बनाएगा। अगर ये मान लेते हैं कि इस प्लेन मिरर को, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी याद है, प्लेन मिरर को हम उसके लाइन में आगे पीछे एक्सटेंड किया हुआ मान सकते हैं, हम इमेजिन कर सकते हैं, प्लेन मिरर को एक्सटेंड कर सकते हैं उसी लाइन में। तो अगर प्लेन मिरर एक्स डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है तो एक्स डिस्टेंस पे बिल्कुल सामने उसका इमेज भी बनेगा। लेकिन द क्वेश्चन इज दैट कि क्या इस ऑब्जेक्ट के पास अगर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, इस ऑब्जेक्ट के पास अगर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है तो क्या इस ऑब्जर्वर को इस ऑब्जेक्ट का इमेज दिखेगा, ये रियल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है नहीं, अगर यहाँ जो ऑब्जर्वर खड़ा है उसे इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज आई बना है, आई बना है, वो इस ऑब्जर्वर को नहीं दिखेगा, तो फिर किसे दिखेगा, वो हम समझते हैं। तो जो आप तरीका समझिए इसका कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को पकड़ के ऑब्जेक्ट से रे को प्लेन मिरर के बिल्कुल आखिरी एंड पे, जो प्लेन मिरर का दो एंड है, लोअर एंड है अपर एंड, वहाँ पे एक रे को ले जाते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग जितने एंगल पे है उतने ही एंगल पे ये रे वापस चला जाएगा। ठीक, अगर ध्यान से देखें तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है एंगल आई बराबर एंगल आर। फिर उसी ऑब्जेक्ट से एक और रे लेके चलिए और जो आखिरी एंड है सेकेंड एंड, उस एंड पे लेके जाएंगे। ठीक, हमने रे ले गए, अब इसको यहाँ से सेम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता हुआ वापस रिफ्लेक्ट होगा। अब इसको पीछे की तरफ अगर एक्सटेंड करें तो ध्यान से देखिए, दोनों रे को अगर एक्सटेंड करें तो वहीं पे कहीं इमेज बनेगा। तो ये जो रीजन है, ये रीजन इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना, उस इमेज को देखने के लिए किसी भी ऑब्जर्वर को कहाँ खड़ा होना होगा, इस पार्टिकुलर रीजन में। अगर इस रीजन में कोई ऑब्जर्वर है तो उसे ये इमेज दिखेगा, बाकी किसी और को ये इमेज नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये हमें समझना था फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का। इसमें एक और केस अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो अगर मिरर इस तरह से रखा हुआ है, अगर इस तरह से मिरर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ कहीं रखा हुआ है, तो इसका इमेज कैसे, इसका फील्ड ऑफ व्यू कैसे बनाएंगे। तो देखिए, इसका इमेज ऑब्वियसली बात है, इसका इमेज यहीं पे कहीं इमेज बनेगा प्लेन मिरर के बिल्कुल सामने। तो इस ऑब्जेक्ट से एक रे को यहाँ पे लाए मिरर के एक एंड पे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता हुआ वापस जाएगा, एक और रे अदर एंड पे आएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता हुआ ये भी वापस जाएगा, तो इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या हो गया। अब इसको भी पीछे की तरफ अगर एक्सटेंड करें तो यहीं पे कहीं इमेज बनता हुआ दिखिए। ठीक, तो इस तरह से हमारा फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज, इमेज का फील्ड ऑफ व्यू हमने ड्रॉ किया। अब जो सेकेंड टॉपिक है वो है फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर को कहाँ खड़ा होना हो। जैसे अब जो सेकेंड टॉपिक है हमारा फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर,
फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज हमने देखा, ऑब्जर्वर देखते। जैसे सपोज ये प्लेन मिरर है, ठीक, ये प्लेन मिरर बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ओ वन है जिसका इमेज यहाँ पे आई वन बना रहा है, एक ऑब्जेक्ट ओ टू है जिसका इमेज यहाँ पे आई टू बन रहा है, ठीक, एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं यहाँ पे ओ थ्री ऑब्जेक्ट है जिसका इमेज यहाँ पे आई थ्री बन रहा है, ठीक। मान लेते हैं प्लेन मिरर के सामने तीन ऑब्जेक्ट है हमारा, तीनों का अपना अपना इमेज आई वन आई टू और आई थ्री बन रहा। अब एक ऑब्जर्वर सपोज दैट ऑब्जर्वर यहाँ पे कहीं खड़ा है, यहाँ पे कहीं ऑब्जर्वर खड़ा है, तो इस ऑब्जर्वर को इन तीनों में से क्वेश्चन इस ऑब्जर्वर को इन तीनों में से कौन कौन सा इमेज दिखेगा। तो इसको भी ड्रॉ करने का तरीका सिंपल है, यहाँ से मिरर के एक इंड पे ले जाइए, एक रे को सीधा आगे की तरफ बढ़ाइए, फिर दूसरे इंड पे ले जाइए आगे की तरफ बढ़ाइए। तो इस ऑब्जर्वर को जो इस पार्टिकुलर रीजन में जो जो इमेज होगा, जो भी इमेज इस पार्टिकुलर रीजन में होगा वो इमेज इस ऑब्जर्वर को दिखेगा। तो इस ऑब्जर्वर को जो इमेज दिखेगा वो आई वन और आई टू दिखेगा, आई थ्री इमेज नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ऑब्जर्वर का फील्ड ऑफ व्यू बनाने के लिए सिंपल तरीका है, उसके आई से दोनों मिरर के दोनों इंड से सीधी लाइन एक्सटेंड करिए, उस रीजन में जो भी आता है। तो आई होप कि आपको ये फील्ड ऑफ व्यू समझ आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, आप वीडियो पॉज करके इसे भी नोट करें। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन इट्स इमेज, ऑब्जेक्ट की रोटेशन का इफेक्ट। जैसे अब इसको एग्जांपल समझते हैं, फर्स्ट केस है, इसमें एक ही केस है, ठीक है, ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के सामने एक वो ऑब्जेक्ट है जिसका इमेज आई यहाँ पे बन रहा है। अब मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से मूव कराते हुए यहाँ पे ले आते हैं, ओ डैश ऑब्जेक्ट का नया लोकेशन ओ डैश हो गया। अगर इसे ध्यान से हम देखें तो ऑब्जेक्ट को हमने कितना रोटेट कर दिया, थीटा। मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट को हमने थीटा एंगल रोटेट करा के ऑब्जेक्ट के नया लोकेशन यहाँ पे है, तो अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया तो इसका इमेज यहाँ कहीं बनेगा आई डैश, ठीक। अब आई डैश किसका इमेज बनेगा, तो अब आई डैश का भी एंगल अगर हम ध्यान से देखें तो आई डैश कितना है थीटा से, और ये इमेज का रोटेशन कुछ इस तरह से होगा। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि हमने ऑब्जेक्ट को अगर थीटा एंगल से मिरर को फिक्स रखते हुए, इस केस में मिरर कैसा है फिक्स्ड पोजीशन पे, अगर मिरर को फिक्स रखते हुए ऑब्जेक्ट को हमने अगर थीटा एंगल से रोटेट किया तो उसका इमेज भी कितने से रोटेट करेगा थीटा से। लेकिन नोट करने वाली बात यह है, आप ध्यान दीजिए, अगर ऑब्जेक्ट को हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है तो इमेज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो आप इस पॉइंट को लिख लेंगे, इफ ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड बाय सम एंगल थीटा देन इट्स इमेज विल आल्सो रोटेट बाय द सेम एंगल थीटा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये पॉइंट आप अंडरलाइन करेंगे कि अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक है, आप इसको नोट कर ले, नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ मिरर। अब हम लोग मिरर को रोटेट कराएंगे, ठीक, ये थोड़ा देखेंगे, इसमें ज्योमेट्री थोड़ा ज़्यादा है, पूरे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में बेसिक ज्योमेट्री हमने 8-9-10 में पढ़ा, वो बहुत काम आने वाला है, ठीक। इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ मिरर, अब क्या करेंगे इस केस में, जो लास्ट केस था हमारा ये मिरर रहा, ये ऑब्जेक्ट रहा और ये उसका इमेज रहा। तो लास्ट केस में हमने क्या रखा था, फिक्स मिरर को फिक्स रखा था, ऑब्जेक्ट को रोटेट करा, अब की बार ऑब्जेक्ट को फिक्स रखा और मिरर को रोटेट कराएं, क्यों, क्योंकि हमने मिरर के रोटेशन का देखना है क्या इफेक्ट आता है। तो मान लेते हैं मिरर का एक पोजीशन एम है, अब मिरर को थीटा एंगल से घुमा के, अगर मिरर को थीटा एंगल रोटेट करवा दे, यही सेम मिरर को अगर थीटा एंगल से हमने रोटेट करा दिया, मान लेते दिस इज एंगल थीटा, थीटा एंगल से इस डायरेक्शन में मिरर को रोटेट कराया, तो पहले अब ध्यान दीजिए, पहले जब मिरर का पोजीशन ऐसा था, ऑब्जेक्ट इस तरह से था, तो अगर नॉर्मल लाइन ड्रॉ करना है तो क्या नॉर्मल इस तरह से होगा, अब मिरर को हमने कुछ एंगल थीटा से रोटेट करा है तो नॉर्मल भी थीटा एंगल से, पहले नॉर्मल ऐसे था, अब मिरर रोटेट किया तो नॉर्मल भी सेम एंगल थीटा से रोटेट कर जाएगा, ठीक है, पहले वाले पोजिशन के अकॉर्डिंग, ठीक।
तो अब अगर हमने नॉर्मल लाइन अगर इस तरह से यहाँ पे था, तो अब इस जो मिरर का नया लोकेशन है एम डैश, एम डैश की अगर नॉर्मल ड्रॉ करना हो तो क्या नॉर्मल वो इस तरह से होगा एम डैश का नॉर्मल, और वो भी कितने से घूम जाएगा, नॉर्मल लाइन भी थीटा से घूम जाएगा। अब देखिए, अब ऑब्जेक्ट तो हमारा यही थे, अब ऑब्जेक्ट से एक रे इंसिडेंट हुआ उस प्लेन मिरर पे, कौन प्लेन मिरर, जो घूम चुका है थीटा एंगल, तो जितने थीटा एंगल पे आया उतने ही थीटा एंगल पे एक रे रिफ्लेक्ट कर देगा वो, और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो ये क्या बना देगा हमें, इमेज बना के देगा। जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको अगर हम एक्सटेंड करें तो इमेज बना के देगा। फिर से समझिए, नॉर्मल थीटा, मिरर को थीटा से घुमाया तो नॉर्मल थीटा से घुमा ठीक इस तरह के, अब ऑब्जेक्ट से एक रे इंसिडेंट हुआ मिरर पे थीटा एंगल पे, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है, अगर ये इंसिडेंट रे है तो ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब अगर आप ध्यान से देखें ज्योमेट्री को, तो ये टोटल एंगल है 2 थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 2 थीटा, थीटा एंड थीटा, तो इस एंगल की वैल्यू अगर हमें लिखना हो तो क्या लिखेंगे 2 थीटा। ठीक, तो यहाँ पे हमने यही समझना है कि अगर अच्छा इमेज कैसे घुमा इधर की तरफ आई डैश, तो अब इस पॉइंट को समझिए, अगर हम मिरर को कोई एंगल थीटा से रोटेट कराएंगे तो उसका इमेज कितने से रोटेट करेगा 2 थीटा से, और डायरेक्शन कैसा होगा, तो जिस डायरेक्शन में, ध्यान दीजिए, जिस डायरेक्शन में हमने मिरर को रोटेट कराया है उसी डायरेक्शन में इमेज भी रोटेट करेगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इस पॉइंट को लिख लीजिए, इफ मिरर इज रोटेटेड, प्लेन मिरर इज रोटेटेड बाय सम एंगल थीटा, देन इट्स इमेज विल बी रोटेटेड बाय एंगल 2 थीटा बट इन इन सेम डायरेक्शन। तो वो ये रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, तो इसमें एग्जांपल ऐसे ऐसे इस तरह से रहेगा कि अगर मिरर को 30 डिग्री से रोटेट कराया तो इमेज कितने डिग्री, कितने से रोटेट करेगा 60 डिग्री से, सिंपल। अगर ऑब्जेक्ट को सपोज करिए, अगर ऑब्जेक्ट को 40 डिग्री से रोटेट कराया, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसका इमेज कौन कितने डिग्री से रोटेट करेगा 40 डिग्री से, बट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस इस तरह के होंगे, तो आप होप सॉल्व कर लेंगे, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिए। अब बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में। ठीक, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेलोसिटी। इसमें दो डिफरेंट केसेस होगा, इसमें भी अगेन वेलोसिटी दो केस में पड़ेंगे। इसमें पहले ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इमेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, फिर मिरर को मूव करता है तो उसके इमेज पे क्या इफेक्ट आता है, तो दो अलग अलग केसेस में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग करते हैं इफेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑन इट्स इमेज, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी का उसके इमेज पे क्या आता है। तो फर्स्ट केस है इस वन में ऑब्जेक्ट कैसा मूव कर, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू पैरेलल वाला पहले लिख लेते हैं ना, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ पैरेलल टू प्लेन मिरर, जो जो फर्स्ट केस है। अब फर्स्ट केस क्या कह रहा है, ध्यान दे, ये मिरर है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर हमारा फिक्स है इस केस में, प्लेन मिरर में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, ऑब्जेक्ट ये रहा, उसका इमेज यहाँ कहीं इमेज बना। ठीक, अब इस ऑब्जेक्ट को पैरेलल, केस क्या हमारा, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैसा हो पैरेलल टू प्लेन ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर ऐसा है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसा है। ठीक, पैरेलल अगर जा रहा है, पैरेलल वाले केस में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के पैरेलल है, तो उसके इमेज की वेलोसिटी कैसा होगा, तो ध्यान दीजिए इमेज भी उसी स्पीड से घूमेगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो यहाँ पे इस केस में जो जब पैरेलल मूव करेगा, पैरेलल वाले केस में क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये ध्यान रखिए, केस के साथ याद रखेंगे, ये पैरेलल वाले केस में है। ठीक है, पैरेलल वाले केस में जब प्लेन मिरर के पैरेलल अगर ऑब्जेक्ट जाता है, तो कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि प्लेन मिरर के पैरेलल एक ऑब्जेक्ट है जो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो उसका इमेज किस स्पीड से चलेगा, तो आप क्या सीधा आंसर देंगे, इमेज भी 10 मीटर पर सेकंड से ही जा रहा है। अब केस टू जो है, केस टू में परपेंडिकुलर, ठीक है, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इज
परपेंडिकुलर टू, प्लेन मिरर, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर अगर हो तो ध्यान दीजिए, ये रहा प्लेन मिरर, ठीक, ऑब्जेक्ट ये रहा, और ये मान लेते हैं कुछ वीओ वेलोसिटी से, ठीक है, कुछ वीओ वेलोसिटी से जा रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज इधर की तरफ बनेगा, और ऑब्वियस सी बात है हमने देखा अगर कुछ वेलोसिटी से ये ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर की तरफ जा रहा है तो उसका इमेज किधर आएगा, हमने बताया लेटरल इन्वर्जन होता है, तो इमेज अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, मान लेते हैं कुछ वी आई वेलोसिटी से उसका इमेज भी, ऑब्जेक्ट इधर गया तो उसका इमेज भी इधर की तरफ जाएगा, जैसे अगर प्लेन मिरर में सिंपल होता है कि प्लेन मिरर के सामने अगर हम खड़े हो, प्लेन मिरर की तरफ अगर मूव करते हैं तो हमारा इमेज हमारी तरफ मूव करता है, तो वही केस है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी ऑफ इमेज के बारे में लिखना हो तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, परपेंडिकुलर वाले केस में ध्यान रखिएगा, क्यों माइनस लगाया, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी जितने स्पीड से, अगर 5 मीटर पर सेकंड से ऑब्जेक्ट चल रहा है तो इमेज कितने से चलेगा, माइनस 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्यों माइनस लगाया, क्योंकि अगर इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इमेज आ रहा है लेकिन सेम वेलोसिटी से, तो यहां नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दो केस है कब, ऑब्जेक्ट के मूवमेंट का, ठीक है, तो आप ये दोनों केस नोट करिए, यहाँ ध्यान बस ये रखना है कि माइनस, अच्छा अब इस केस में मैं एक एग्जांपल छोटा सा अगर बोलूँ, ऐसा एग्जांपल कि एक सिंपल एग्जांपल क्वेश्चन अगर आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, एक प्लेन मिरर है उसके सामने 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, सुनिएगा ध्यान से, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो द क्वेश्चन इज दैट आप लिख सकते हैं विथ व्हाट स्पीड डज द ऑब्जर्वर अप्रोचेज हिज इमेज, ऑब्जर्वर अपने इमेज को किस स्पीड से अप्रोच कर रहा है, ठीक, तो आप एक बार वीडियो वॉच करके इस क्वेश्चन का आंसर करिए, अब 5 या 10 सेकंड लगेगा, आप सोचिए, ठीक, होप आपने ट्राई किया, तो सिंपल आंसर जो आता है इसमें क्या आंसर देते हैं, बिना सोचे समझे जनरली जो आंसर देते हैं वो क्या देते हैं, माइनस 5 मीटर पर सेकेंड मैक्सिमम लोगों का आंसर आता है जो कि गलत है, ठीक, क्वेश्चन ध्यान से, क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा विथ व्हाट स्पीड इमेज, है ना, आपसे इमेज का स्पीड, क्वेश्चन अगर आपसे इमेज का स्पीड पूछता है तो आप माइनस 5 देते हैं, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ऑब्जेक्ट कितने स्पीड से अपने इमेज को अप्रोच कर रहा है, तो आंसर इज 10 मीटर पर सेकेंड, 11th के काइनेमैटिक्स में पढ़ा होगा रिलेटिव मोशन में, अगर 5 मीटर से भी इधर की तरफ चल रहा है एक ऑब्जेक्ट इधर की तरफ, इसका इमेज इधर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ऑब्जेक्ट अपने इमेज को कितने स्पीड से अप्रोच कर रहा है, तो 5 and 5 10 हो जाएगा, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछा होता ना कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज, देन माइनस 5 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, बट ऑब्जेक्ट कितने स्पीड से अप्रोच कर रहा है तो वैसे केस में हम ऐड करेंगे, क्योंकि ये दो अपोजिट वेलोसिटी जब होता है तो हम रिलेटिव वेलोसिटी के लिए इन दोनों को ऐड करेंगे, तो एक एग्जांपल था इस पे बेस्ड, ठीक, एक आखिरी केस इसमें हमारा रह गया मिरर रोटेशन है, मिरर की वेलोसिटी, अगर मिरर किसी स्पीड से चलता है तो क्या होगा, अब जो केस हम लोग देखेंगे अब इफेक्ट ऑफ मिरर वेलोसिटी, अब जो लास्ट केस था उसमें हमने मिरर फिक्स रखा था, ऑब्जेक्ट को मूव कराया था कुछ वेलोसिटी, अब मिरर को मूव करवा था, तो सेम पहला केस पैरेलल वाला है ना, सेम केस है पैरेलल, अगर पैरेलल मोशन होता है, ठीक, अगर पैरेलल होता है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट था, ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, इस केस में हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है फिक्स, और मूव कौन कर रहा है, वेलोसिटी किसको है, मिरर को, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के प्लेन, ऑब्जेक्ट का प्लेन अगर ये माने तो इसके कंपैरिजन में अगर मिरर कुछ वेलोसिटी वीएम से, कुछ वेलोसिटी वीएम से अगर ये मिरर ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऑब्जेक्ट और इमेज की स्पीड क्या होगा, तो आंसर इज सिंपल, आप सिंपल सोचिए अगर ये मिरर है, ठीक है, इसको ऊपर लेके जा रहा है तो क्या ऑब्जेक्ट और इमेज के लोकेशन पे कोई फर्क पड़ेगा, ऑब्जेक्ट जहाँ था और इमेज जहाँ था वैसा ही बनेगा, तो इस केस में सिंपल आप जैसे इस प्लेन मिरर को मैंने ऊपर की तरफ ले जा रहा तो ऑब्जेक्ट जहाँ था इमेज तो वहीं बन रहा है, ऊपर भी ले जाएंगे तो ऑब्जेक्ट और इमेज वहीं बनेगा, जैसा कि हम अभी दो
पीछे पढ़े हैं कि इमेज का बस ये फील्ड ऑफ व्यू बदलेगा लेकिन स्पीड पे कोई फर्क, स्पीड वगैरह पे कोई असर नहीं होगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू जीरो। इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा पैरेलल वाले केस में, जब मिरर मूव करेगा ऑब्जेक्ट फिट रहेगा। इसको आप नोट करिए, है ना। सेकेंड केस में बताता हूँ, सेकेंड केस में थोड़ा सा ज्योमेट्री है, केस टू, केस टू अपना है परपेंडिकुलर वाला, ठीक। ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा, केस टू परपेंडिकुलर, तो आप पिछले वाले से कंपेयर कर लेंगे परपेंडिकुलर। अब ये हमारा अगर ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं x डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, तो पहले x डिस्टेंस पे उसका इमेज बना, ये प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का लोकेशन। अब की बार हमने क्या किया, मिरर को ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर मूव कराया, मतलब मिरर का वेलोसिटी कुछ वेलोसिटी ऑफ मिरर इस डायरेक्शन में है। तो मान लेते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं कि कुछ टाइम मिरर अब यहाँ से चल के y डिस्टेंस कवर करके मिरर का हाथ होगा, यहाँ मिरर ने कितना डिस्टेंस कवर किया, y डिस्टेंस, ठीक है। मिरर उस टाइम में y डिस्टेंस कवर करके मिरर का नया लोकेशन क्या हो गया, ये इमेज, मिरर अब नया लोकेशन यहाँ पे आ गया। तो अब देखिए, अब ऑब्जेक्ट और मिरर, मिरर का पहले वाले पोजीशन से मिरर, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच डिस्टेंस कितना था x, अब मिरर एक y डिस्टेंस आगे आ गया है, तो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच कितना डिस्टेंस रहा, x माइनस y, ठीक। ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच अब डिस्टेंस पहले x था, अब y डिस्टेंस आगे की तरफ मूव किया, तो अब इमेज का नया लोकेशन, अब मिरर से x माइनस y डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कितने डिस्टेंस पे बनेगा इस पोजीशन से, सेम डिस्टेंस पे हमने जो पढ़ा, अगर x माइनस y डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है तो x माइनस y डिस्टेंस पे इमेज बनेगा, तो x माइनस y डिस्टेंस पे नया लोकेशन इमेज का i डैश ये, ठीक। अब हमने क्या निकालना, हमने ये डिस्टेंस को फाइंड करना, ठीक। अब हमने ये फाइंड करना ओवरऑल ज्योमेट्री, सिंपल ज्योमेट्री लगा के, कि इमेज का पहले जो लोकेशन था उसके कंपैरिजन में इमेज अब मिरर के वाई डिस्टेंस मूव करने पे इमेज अब मूव करके यहाँ पे आ गया, तो ये डिस्टेंस। तो सिंपली देखिए, सिंपल ज्योमेट्री है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है, ये टोटल डिस्टेंस अपना कितना हो गया एक्स, है ना। अगर देखें यहाँ पे तो टू एक्स है, पहले टू एक्स था टोटल डिस्टेंस हमारा, ऑब्जेक्ट से इमेज का टोटल डिस्टेंस टू एक्स था। अब कितना रह गया हमको इसमें से, ये टोटल डिस्टेंस ये 2x है, अब इमेज यहाँ से खोलता हूँ बेसिकली ये डिस्टेंस फाइंड करना, तो अब ये टोटल डिस्टेंस कितना है, तो 2x माइनस, ये देखो इन दोनों को ऐड करते हैं, इसमें से अगर इसको घटा दें तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो x माइनस वाई, इसको अलग ही कर लेते हैं, क्योंकि 2x माइनस, अब x माइनस वाई प्लस x माइनस वाई अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा अपना 2x माइनस 2y, तो 2x है ना, और 2x माइनस 2y अगर करते हैं इसको, तो देखिए 2x माइनस 2x प्लस 2y, तो 2x 2x कट जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस अपना कितना आया 2y, ठीक। होप की ज्योमेट्री सिंपल ज्योमेट्री है, ये टोटल डिस्टेंस हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये माइनस करना होगा, ये कितना है टोटल, x माइनस y प्लस x माइनस y, तो सिंपल है 2y डिस्टेंस मूव किया। तो सिंपल देखिए, अगर मिरर y डिस्टेंस मूव किया है तो इमेज कितना मूव किया है 2y, ठीक। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, अगर इससे हम रिलेट करें तो वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू, है ना, अगर इमेज की वेलोसिटी की बात करें तो ऐसा लिख सकते हैं, इमेज की वेलोसिटी, इमेज वेलोसिटी। तो इस केस को आप अच्छे से समझिए, है ना। अब ये तो सिंपल ज्योमेट्री है, अब आप चाहे तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट भी याद रख सकते हैं कि अगर मिरर 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है तो इमेज कितने से चलेगा, इमेज का वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज के बारे में क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू 2 इनटू वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो अगर 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मिरर चल रहा है तो इमेज की स्पीड कितना हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन कैसा होगा सेम। तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे कि जब मिरर 2 मीटर पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दो किसी अगर वी वेलोसिटी से चल रहा है तो इमेज कितने से चलेगा 2v से। तो वो अब ये हमारा ओवरऑल, एक और लास्ट चीज है जो आप 10th में पढ़ेंगे, मैं वो बता देता हूँ, उसके बाद प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट अपना खत्म हो जाएगा। अब एक सिंपल है, जैसा कि पढ़ते थे, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, नंबर ऑफ इमेज
formed by plane mirror. Number of image plane mirror the formed by. So formula n equal to 360 by theta. So jump or n equal to 360 by theta minus 1 jump event. जैसे अगर मान लेते हैं कि 30 डिग्री अगर दिया रहा है कि एंगल कितना है 2 मीटर के बीच 30 डिग्री तो नंबर ऑफ इमेज फाइंड करना नंबर ऑफ इमेज कितना होगा है ना 2 मीटर है उसके बीच एंगल अगर 30 डिग्री है तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा तो 360 बाई 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 18 ठीक सॉरी 12 ठीक है ना 12 बाई तो ये जो 12 आंसर है ये क्या है इवन तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा 360 by theta minus 1 the 360 by theta apne paas kitna hai 12 minus 1 that is number of images 11 hai na isi tarah se aap aur kar sakte hain agar theta equal to 60 degree de rakha hai to 360 by 60 karenge 6 time mein katega to number of images kitna aa jayega 6 minus 1 5 hai na to is tarah se apna ye ho jayega basic तो ओवरऑल अब हमने प्लेन मिरर के सारे केसेस डिस्कस कर लिए तो आप प्लेन मिरर का पूरा अच्छे से नोट्स बना के और अगले वीडियो में मैं स्फेरिकल मिरर के बारे में शुरू करूंगा स्फेरिकल मिरर में आप चाहे तो क्लास 10 शुरुआत अपना जो क्लास 10 पे हमने पढ़ा था बेसिक प्लेन स्फेरिकल मिरर होता क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस इन सब चीज़ों के बारे में इमेज कैसे फॉर्म करता है तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा तो ये आपका लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट हुआ आप इसको अच्छे से लर्न करें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो